दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा खुद से ही एक सवाल है कि जिंदगी में कहां तक भाग के जाओगे। और आई एम श्योर कि मैं ये सत्संग नहीं करने वाला कि आप लोग आह-वाह करें। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हम जानते हुए भी नहीं मानते। आप किसी फील्ड से हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप प्रोफेशन में हो सकते हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, लेकिन ये रियलिटी है कि भाग कर कहां जाओगे खुद से। निदा फाजली जी ने एक शेर भी कहा था कि ढूंढ लो नक्शे पर कोई और शहर, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशन वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम ना थोड़ी बचपन की वो कुछ बातें, कुछ यादें ताजा करते हैं। और ऐसा होता भी है कि जब एक बच्चा अपने शुरुआती दौर में होता है, जब वो 12, 13, 15 के बीच में होता है, तो हमेशा कहता है कि मैं अपने पापा जैसा दिखता हूं। और जैसे ही 18, 20, 22 की उम्र आती है तो हम कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं दिखता, मेरी एक अपनी अलग सोच है, मैं अपने तरीके से जीता हूं। और जैसे ही 25, 27 और 30 की उम्र पार करने लगते हैं तो कहते हैं कि ये दुनिया वालों, मैं मुझ में कुछ कम सा होता चला जा रहा हूं, मेरे पिता मुझ में कुछ ज्यादा ही आते चले जा रहे हैं। काश कि ये बात हमें 18, 20 और 22 की उम्र में समझ आ जाती, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि आदमी होना सिर्फ मां के पेट से निकलने के बराबर होता है, लेकिन इंसान बनने के लिए बड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि ढूंढ लो नक्शे पे कोई और शहर, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। हर जीवन में उथल पुथल है, और ये मैं किसी और का एक्सपीरियंस नहीं, अपना ही बता रहा हूं। और मैं बहुत थैंकफुल हूं उस गॉड का कि मैं अपनी बातों को सही से आप लोगों के सामने रख पाता हूं। हमने कहावतों के मतलब बदल दिए, और आई एम श्योर कि आप सब जानते हैं ऐसा। ये हमारे साथ दिखता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाइयां होने लगे, और ये सबके साथ होता है, तो हम इस बात को मान लेते हैं कि प्यार का नाम यही है। आज हर कोई अपने काम में बिजी है, ये अच्छी बात है, तो इस वजह से हम अपने रिलेटिव से नहीं मिल पाते। साल साल बीत जाते हैं, कईयों के तो वर्षों बीत जाते हैं, तो हमने इसी को रिश्तेदारी का नाम दे दिया। तो मान्यताएं हमारे साथ बदलती रहती हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। एक तरफ वो मोबाइल का वो पैटर्न लॉक कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन देता है, तो कहीं ना कहीं अपनों से दूर लेके जाता है, उनके मन में एक शंका पैदा करता है कि हमारे सामने ही लॉक लगाता है, तो ये ताले की भी निशानी। पहले ताले ने इसका रोल निभाया, अब कहीं ना कहीं वो मोबाइल का पासवर्ड इसका रोल निभा रहा है। तो दौर बदलते हैं मेरे दोस्त, और इसे मानिए, क्योंकि इसके साथ ही हमें आगे बढ़ना है। भागना नहीं है हमें किसी से कि ये पालू, ये जिंदगी रख लू, ये वाला काम कर लू, ये नहीं, इससे बेटर ये है, वहां चले जाऊं। जिस प्रोफेशन में है आप, जिस कोर्स में है आप, वो आपके लिए बहुत बेटर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी आपको हरा देगी तो कभी आपको जीत का रास्ता दिला देगी। तमन्ना रखो हमेशा समंदर की गहराइयों में डूबने का, क्योंकि किनारों पे तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। फिर यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ये सुन चुके हैं यार, ये सब बातें सत्संग में होती हैं, ऐसी बातें आहवा चल रहा होता है, ये सब बस बातें ही होती हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने ऐसा क्या कह दिया रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता? नहीं तो बच्चा कहता है कि माँ मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और माँ उसे दवाई की जगह कैंडी खिला देती है, और वो सरदर्द ठीक कैसे हो जाता है? तो दोस्तों, कुछ चीजें मान के चलिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, और उसे करते रहिए, भागिए मत वहां से। अरे कुछ नहीं तो कुछ तो होगा। और मैंने पहले भी कहा है कि असमंजस छोड़ मुसाफिर, रास्ते पे निकल, या तो कुछ मिलेगा नहीं तो कुछ सीखने को मिलेगा। और अपने अंदर से ये 18, 20 और 22 की उम्र को हटाइए, हम अच्छे भले थे 12 से 15 के बीच में। और आप सबके लिए और मेरे लिए भी ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी की उलझनों ने मेरी शरारतों को कम कर दिया, और लोग समझते हैं कि हम समझदार हो गए, तो मत बनिए समझदार, 13 से 15 के बीच में ही रहिए, और जो कर रहे हैं उसे मन से करिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। और एक बात ध्यान रखिए कि कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना बीता हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि वो आने वाला कल ना बदल सके। तो डरिए मत, अपने आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए, जो होगा वो देखा जाएगा।
क्योंकि मुझे वो मेरे स्टूडेंट की वो बात याद है कि जब मैं उसे पढ़ाने गया तो उसने कहा सर आपकी फीस, मैंने कहा यार तू पुराना स्टूडेंट है जो देगा दे दियो, तो उसने कहा सर आजकल तो मच्छर भी फ्री में नहीं मरते, उसके लिए भी 100 रुपये का मोर्टिन लगाना पड़ता, बताइए बताइए क्या है आपकी फीस। तो हर एक चीज़ का एक मोल है, जब तक दोगे नहीं तब तक खरीद नहीं पाओगे। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मेरे मन में थी, मैंने कहा यार बीच बीच में शेयर भी करता रहूँ आप लोगों से हमेशा एजुकेशन की बातें, पता नहीं कैसा लगता है आपको, जरूर बताइए मुझे। और आई एम श्योर कि मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, मैं जानता हूँ ये सारी बातें आपकी भी दिल में होंगी, आप भी कुछ कहना चाहते होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कमेंट में जो आपके लिए बेस्ट लाइन है आपकी पूरी लाइफ का कि यार ये वर्ड मैं पूरी दुनिया को सुनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस कमेंट में लिखें, मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको। और आई एम श्योर कि बहुत से लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ जब कोई बच्चा कुछ अच्छी लाइनें लिखता है नीचे तो बहुत से लोग उसको लाइक करते हैं, और ये बड़ा खुश होता हूँ मैं इस चीज़ से। मेरे पास शायद एक प्लेटफॉर्म होगा दुनिया से जुड़ने का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर मुझे 50,000 लोग सुनते हैं और आपको सिर्फ 5 लोग सुनते हैं तो इसमें फ़र्क है, फ़र्क इसका नहीं है, फ़र्क सिर्फ सोच का हो सकता। क्या पता किसी के 20,000 लोग सुनने में भी 15,000 लोग उस बात को ना माने और आपके 5 लोग सुनने में 4 लोग आपकी बातों से एग्री करें, तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि परसेंटेज का रोल आपका ज़्यादा है। तो ज़रूर लिखिए इस कमेंट में कि क्या सोचते हैं आप। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।